वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजवान सर 61। मैं आपकी हेल्प करूंगा आपके एग्ज़ाम में ऑल क्वेश्चंस को कंप्लीट कराने की डियर स्टूडेंट, क्योंकि मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए 5 क्वेश्चंस इंग्लिश के, 5 क्वेश्चंस इंग्लिश रीजनिंग के, 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के और कंप्यूटर के और साइकोलॉजी के क्वेश्चंस। यदि अगर आप KVS एग्ज़ाम की या किसी भी सीटेट टेट या TGT PGT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो मेरे क्वेश्चंस आपके लिए वेरी हेल्पफुल हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यू शुड डैश अप योर फ्रेंड्स, तो यू शुड के साथ वी की फर्स्ट फॉर्म आएगी डियर स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन आएगा आपका डी। नेक्स्ट, द रूल ऑफ द किंग इज कॉल्ड, राजा के शासन को कहा जाता है एग्जाम्पल ओलिगार्ची, बी ब्यूरोक्रेसी, सी जीरोन्टोक्रेसी, डी मोनार्ची। तो राइट ऑप्शन इज हेयर जीरोन्टोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, हार्डली हैड यू अराइव्ड एट द स्टेशन डैश द ट्रेन कैम, तो डियर स्टूडेंट्स हार्डली के साथ आता है वैन, जबकि नो सूनर के साथ देन और आल्दो और येट के साथ, आल्दो और दो के साथ येट, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन इज द एंटोनियम ऑफ स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का एंटोनियम होगा डियर स्टूडेंट ह्यूमिलिएट, एक तरह से अपमान, अकर्ड मीन्स घटित होना, प्रोफेशन मीन्स एक प्रोफ्यूजन मीन्स एक तरह से, ऑप्शन डी कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड में मीनिंग होता है बढ़ाना, स्कार्सिटी का मीनिंग होता है कमी करना। क्वेश्चन नंबर फाइव डियर स्टूडेंट्स, हु इज़ द मेकिंग दिस चॉइस, पैसिव वॉइस बनाना है, हु कन्वर्ट हो जाएगा बाई होम में, तो ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग आपका, दिस चॉइस इज ऑब्जेक्ट है, तो डियर स्टूडेंट्स बाई होम इज आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर है करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है आपका, लोसार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो लोसार फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। मोटेरा स्टेडियम इज इन, मोटेरा स्टेडियम है कहाँ पर, ऑप्शन ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी कानपुर में। तो मोटेरा स्टेडियम इज डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन ए अहमदाबाद में। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, देयर आर डैश स्टेट्स इन इंडिया, भारत में कितने स्टेट्स हैं, ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 31। तो देयर आर ओनली 28 स्टेट्स इन इंडिया। व्हेन वाज द इलाहाबाद हाई कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी डियर स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन ए 1862, ऑप्शन बी 1866, ऑप्शन सी 1884, ऑप्शन डी 1950। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका बी, क्योंकि 1866 में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर फाइव, द बोट लाइब्रेरी इज स्टार्टेड फ्रॉम, डियर स्टूडेंट्स द बोट लाइब्रेरी क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी देहरादून। तो ऑप्शन बी आ जाएगा कोलकाता, यानी कोलकाता में बोट लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश किया गया था। डियर स्टूडेंट्स कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन हैं, इनपुट प्लस डैश आउटपुट, इनपुट के साथ डियर स्टूडेंट्स प्रोसेस होता है, तो डियर आपका इस ऑप्शन बनेगा सी, ना कि कलेक्शन स्टोरेज और डिफेंस को छोड़ करके। द डाटा इज यूज इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड, वो डाटा जो कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स एक तरह से इनपुट, बी प्रिंटर, सी मॉनिटर, डी आउटपुट। तो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन बनेगा आपका ए इनपुट। फुल फॉर्म ऑफ CD, CD की फुल फॉर्म क्या है डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए कंट्री डिवाइस नहीं, ऑप्शन बी कंपैक्ट डिस्क हो सकता है, कंप्यूटर डिस्क भी हो सकता है, सी कॉमन डिस्क भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर आंसर की तरफ जाऊँगा मैं, कंपैक्ट डिस्क। डैश क्वेश्चन नंबर फोर, इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी हॉलर्थ, ऑप्शन सी मार्कोनी, ऑप्शन डी एडिशन। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन फोर का बनेगा ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज। देर आर डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कितनी जनरेशन हैं डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन सी डी 7। तो देर आर यहाँ पर कंप्यूटर की डियर स्टूडेंट्स 5 जनरेशन हैं। दीज आर द क्वेश्चन आर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू डियर स्टूडेंट्स ऑल अदर एग्जाम्स, बट नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द कुछ क्वेश्चन हैं रीजनिंग के, दीज क्वेश्चन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देर इज ए सिक्वेंस विद वन टर्म मिसिंग, चूज द बेस्ट दैट कम्प्लीट द सिक्वेंस, जी K28, KF40, OA52।
क्वेश्चन मार्क WQ76। तो राइट ऑप्शन होगा डियर स्टूडेंट्स आपका बी ऑप्शन है, SV64 इज़ द राइट आंसर होगा, यही आपका राइट ऑप्शन बनेगा। ग्रिप्स इज रिटन एज 7189 1619, फ्रेम इज रिटन एज 6181135, सो द कोड ऑफ जीन्स इज हेयर 1051149 इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इज फाइंड द ओड वर्ड पेयर, फॉर्च्यून फर्नीचर इज ए चेयर है, बी शर्ट क्लॉथ्स है, एंड अटेंसिल्स स्पून है, एंड स्टेशनरी पेंसिल है। तो डियर स्टूडेंट थर्ड का ऑप्शन बनेगा आपका बी शर्ट आपका क्लॉथ बनेगा। MO की रेशियो STS समानुपात आपका आएगा जी आपका ऑप्शन बनेगा RGM अनुपात XLU, तो ऑप्शन बनेगा डियर स्टूडेंट्स आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ए सीक्वेंस इज गिवन वन ऑफ विच इज इनकरेक्ट, फाइंड इट। ROMDXWGYDEZTJMSOPULG डियर स्टूडेंट्स हेयर इज द राइट आंसर इज हेयर 5 का बी ROMD इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, द फादर ऑफ प्ले मेथड इन टीचिंग, खेल विधि के फादर कौन है शिक्षण में। डेयर स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे फ्रोबेल, ना कि सिगमंड फ्राइड, मॉन्टेसरी नहीं और डॉल्टन विधि नहीं। द सीरियल नंबर ऑफ द लैंग्वेज स्किल इज, डेयर लैंग्वेज की सीरियल नंबर के आधार पर, लैंग्वेज स्किल की सीरियल नंबर के आधार पर चार स्किल्स होती हैं। सबसे पहले बच्चा लिसनिंग करता है, फिर उसके बाद स्पीकिंग करता है, फिर रीडिंग करता है और फिर राइटिंग करता है। डेयर स्टूडेंट तो सारे ऑप्शन में से ए ऑप्शन इज राइट आंसर। देयर आर काइंड्स और आर स्किल्स, ठीक है, तो यहाँ पर टू काइंड्स होती हैं स्किल्स की, नंबर एक रिसेप्टिव होती है और नंबर दो प्रोडक्टिव होती है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही बनेगा आपका। ब्रेल मेथड इज़ यूज्ड एज ए टीचिंग मेथड फॉर, ब्रेल में विधि का यूज़ किया जाता है शिक्षण विधि के लिए। डियर स्टूडेंट्स एक तरह से डीफ बच्चों के लिए, बी ब्लाइंड बच्चों के लिए, लैम लंगड़े बच्चों के लिए और लैम्ब डम्ब गूंगे बच्चों के लिए एक तरह से, तो ब्लाइंड बच्चों के लिए। लास्ट क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स आज का, वन ऑफ देम इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट, कंटिन्यू निरंतरता का सिद्धांत है, डिफरेंस अंतर का सिद्धांत है और कमोनोपोली एकाधिकार का सिद्धांत है, बट द फ्रॉम स्पेशल टू जनरल विशेष विशेषता से सामान्य की ओर नहीं बल्कि सामान्य से विशेषता की ओर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलता हूँ आपको इसी तरह की अगली वीडियो में।